So let's start with our first question. The word essay has been taken from a French word essay. What does it mean? इसका मतलब होता है attempt. जो word essay है वो taken हमें लिया गया है एक French word से. इसका मीनिंग पूछा है, इसका मीनिंग है attempt, मतलब प्रयास. Father of essay कौन है हमारे? Michel de Montaigne. Father of English essay, Francis Bacon. Prince of essay, Charles Lamb. Next question. The first English comedy is, first English comedy हमारी कौन सी है? Ralph Royster Doyster. किसने लिखी थी ये? Nicholas Udall. ओके, और ये पब्लिश हुई थी 16th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी ये. प्रोबेबली रिटन बिटवीन 1551 एंड 1553, बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1566. फर्स्ट कॉमेडी जानी जाती है ये इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज, हमारी पहली इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है? गोरबटक. ये कब आई थी? 1561 में. ओके, और इसके ये किसने लिखी है? थॉमस सैकविल ने. किसने लिखी है? थॉमस सैकविल. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्ट्री प्ले वाज कंसर्न विद द बाइबल. मिस्ट्री प्ले जो है वो कंसर्न है किसके साथ? बाइबल. वाइल, जबकि मेडिकल प्ले डील विद. अच्छा, इन दोनों में ना कन्फ्यूजन बहुत होता है, मिस्ट्री प्ले और मेडिकल प्ले में. तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, जैसे मेडिकल में क्या होता है? जादू. जादू साधु, साधु की क्या होती है? सेंट. तो जो मेडिकल प्ले है वो किसी साथ डील करते हैं? सेंट की लाइफ के साथ. और उससे फिर एक तो याद हो गया, दूसरा अपने आप याद कर लिया कि मेडिकल को किससे कनेक्ट करना है हमें? सेंट से, जादू साधु. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ट इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड, विच पीरियड इज इट? कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है फ्लोरिश हुई थी एक पर्टिकुलर पीरियड में इंग्लैंड के, तो वो कौन सा पीरियड था? तो ये जो रेस्टोरेशन है ना, रेस्टोरेशन कॉमेडी, ये हाई पॉइंट माना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का. और इसको जो उसका कॉमेडी ऑफ मैनर्स का प्लॉट है वो इसी में आया था, 18th सेंचुरी के अराउंड, 18th सेंचुरी में ही आया था. तो इसको रेस्टोरेशन पीरियड का माना जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी. कौन हमारी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स. डिनोटेशन इज द एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड. मतलब किसी चीज़ को डिनोट करते हैं ना, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हुआ एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब स्वीकारा हुआ अर्थ किसी शब्द का. एक अनएक्सपेक्टेड और सेंसेशनल टर्न इन ए प्ले इज नोन एज, इज नोन एज, उसको किस रूप में जाना जाता है? उसको माना जाएगा कू दे थिएटर. मतलब जैसे हिंदी में बोलेंगे ना, तक तपलट हो जाना. एक सडन और सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स दैट गिव्स ए न्यू ट्विस्ट टू द प्लॉट ऑफ प्ले. जैसे किसी भी हम कोई वो देख रहे हैं, डेली सॉप, डेली नाटक देख रहे हैं, डेली का सीरियल, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक अचानक से टर्न आ गया. हमें पता चला था कि वो व्यक्ति पहले उसमें मर गया था, और अचानक सेंसेशनल टर्न आया, वो पता नहीं कहाँ से जिंदा हो गया, उसको जिंदा दिखाते हैं, तो क्या हो जाता है? एक सेंसेशनल टर्न, अनएक्सपेक्टेड, एक सरप्राइजिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिटन कम्प्लीटली इन वर्स. वर्स में कौन से कम्प्लीटली प्ले लिखे गए हैं शेक्सपियर के? किंग जॉन और रिचर्ड सेकंड. सबसे पहले बात करते हैं किंग जॉन की. किंग जॉन आया था 1594 में. कब आया था? 1594. 8.4 जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी स्पीच इसी प्ले में आती है, कमोडिटी स्पीच. और रिचर्ड सेकंड ये आया था 1595 में, इसका सोर्स वही राफेल होलिंसर्ड क्रॉनिकल. और एलिजाबेथन फर्स्ट ने कंपेयर्ड किया था खुद को, एलिजाबेथन फर्स्ट कंपेयर्ड हरसेल्फ टू रिचर्ड सेकंड ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. मतलब शेक्सपियर का प्ले जो है उससे उसने रिचर्ड सेकंड से खुद को कंपेयर किया था. और एक पॉइंट और, रिचर्ड सेकंड जो था वाज ओनली 10 ईयर्स ऑफ एज व्हेन ही कम टू द थ्रोन. मतलब जब उसने राज्याभिषेक किया गया था, उसका राजगद्दी पर आया था, तो वो 10 ईयर्स का था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज स्टोरी ऑफ स्टार क्रॉस लवर. स्टार क्रॉस लवर कौन होते हैं? स्टार क्रॉस लवर का मतलब वो है जैसे रोमियो जूलियट. रोमियो जूलियट में क्या हुआ था, लास्ट में वो मिले ही नहीं थे किसी रीजन की वजह से. जब दो लवर लास्ट में मिल नहीं पाते किसी कंडीशन की वजह से, तो उन लवर को स्टार क्रॉस लवर बोलते हैं, जैसे रोमियो जूलियट में था. रोमियो जूलियट कब आया था? 1595 में. दोनों मर जाते हैं ना लास्ट में, इसलिए उनको बोला गया है स्टार क्रॉस लवर. शेक्सपियर की फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी थी, एक कोरस
reads a prologue to each of the first two act. शेक्सपियर इस ट्रेजेडी को इसको बोलते हैं रोमियो एंड जूलियट को कि एक ट्रेजेडी ऑफ सर्कमटेंसेस है रैदर देन ऑफ करेक्टर. ए ट्रेजेडी ऑफ सर्कमटेंसेस रैदर देन ऑफ करेक्टर. अच्छा सैमर पीप्स ने क्या लिखा है इस प्ले के बारे में कि इट्स ए प्ले ऑफ इट सेल्फ द वर्स्ट सबसे खराब मतलब दैट आई एवर हर्ड इन माई लाइफ. ऐसा खराब प्ले है जिसके बारे में मैंने कभी अपनी लाइफ में सुना है. ये उन्होंने किसके बारे में बोला है रोमियो एंड जूलियट ने. किसने सैमुअल पीप्स ने. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द ओनली प्ले ऑफ शेक्सपियर विद ए सबटाइटल. अब जो ये आंसर है ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट. ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल है व्हाट यू विल. ये सबटाइटल दिया किसने है जॉन मार्स्टन जे ओ एच एन जॉन एम ए आर एस टी ओ एन. जॉन मार्स्टन ने ये टाइटल दिया है व्हाट यू विल. अच्छा सैमुअल पीप्स ने इसको भी क्रिटिसाइज किया है. सैमुअल पीप्स ने इसको बहुत बार देखा और इसको कार्ल डेटे सिली प्ले इसको मूर्खतापूर्ण प्ले का. अच्छा फेस्टी है जो इसमें फूल है वो समझा जाता है द मोस्ट इंटेलिजेंट करेक्टर ऑफ द प्ले. उसको फेस्टी को समझा जाता है. और इस प्ले में तीन मैरिज हुई हैं. कौन कौन सी ओलिपिया की लास्ट में होती है मतलब ओलिपिया की सेवेस्टियन से ड्यूक ओरसिनो की वॉयला से सर टोबी की मारिया से. ओके नेक्स्ट चलते हैं. व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ कंप्लीट हिज बीए. वर्ड्सवर्थ ने अपना बीए कब कंप्लीट किया. वर्ड्सवर्थ ने अपना जो इसमें चार ऑप्शन थे उसमें हमने चारों को डिस्क्राइब कर दिया. सबसे पहले हम बात करते हैं 1790 में क्या हुआ. फर्स्ट विजिट थी वर्ड्सवर्थ की फ्रांस के लिए. वहाँ पे क्या होता है 1790 में ही फेल इन लव विद हिज सर्जन डॉटर एनिटी वेलन. वो एनिटी वेलन से उन्हें प्यार हो जाता है और वहाँ पे उनकी एक डॉटर होती है कैरोलिन. एनिटी वेलन से कैरोलिन एक डॉटर होती है. और 1791 में उनकी सेकेंड विजिट थी फ्रांस के लिए. वहाँ पे उन्होंने अपना बीए कर लिया था. कौन सी ईयर में 1791. अच्छा 1793 में क्या हुआ था टू पोएम पब्लिश हुई थी डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक हीरोइक कपलेट में हुई थी. और 1798 में क्या आया था लिरिकल बैलेट्स. ओके नेक्स्ट चलते हैं. द एक्सकर्जन इज कंसिडर्ड एज विच पार्ट ऑफ द रिक्लूज. अब इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. वर्ड्सवर्थ ने प्लान किया था कि एक बहुत बड़ी फिलोसफिकल पोएम लिखेंगे. वो एक ग्रेट फिलोसफिकल पोएम जिसका नाम रखेंगे द रिक्लूज. लेकिन क्या हुआ वो इसको फिनिश नहीं कर पाई. अनफिनिश्ड है. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हुआ जिसकी फर्स्ट बुक हुई उसका तो नाम हो गया द प्रलूड. द प्रलूड बीइंग द फर्स्ट बुक. सेकंड बुक जो हुई द एक्सकर्जन जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सकर्जन को कौन सा पार्ट समझा गया है रिक्लूज का तो वो कौन सा समझा गया है सेकंड पार्ट. और जो थर्ड वन वो द रिक्लूज के नाम से ही है लेकिन वो हमेशा क्या रहा रिमेन अनफिनिश्ड क्योंकि बर्थवर्थ उसको कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ देयर इज ए ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. कहाँ से ली गई ये लाइन. ओ देयर इज ए ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज ये द प्रलूड की फर्स्ट लाइन है याद रखना है. और वैसे भी हमें जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर में आ जाता है उनसे. और प्रलूड का सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड. क्या है क्या है एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड. ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ था ये द प्रलूड. और एक एड्रेस टू कॉलरिज उन्होंने कॉलरिज को एड्रेस किया था. वर्ड्सवर्थ ने इसे शुरू किया था कब शुरू किया था 1798 के ड्यूरिंग में शुरू किया था और उसको फिनिश किया था 1805 में फिनिश किया था. जब 1805 में इसका पहला एडिशन आया था तो उसमें केवल 13 बुक्स थी. ध्यान से सुनना इस पॉइंट को. जब फर्स्ट एडिशन आया था 1805 में अर्लियर उसमें 13 बुक्स थी और फिर ये बाद में फिर पब्लिश हुआ पोस्थ्यूमसली 14 बुक के साथ इन 1850 कब 1850 में. और जो ये टाइटल है ना ये सजेस्टेड किया गया है मैरी वर्ड्सवर्थ के द्वारा. मैरी वर्ड्सवर्थ उनकी वाइफ वर्ड्सवर्थ की. नेक्स्ट 83 सब टाइटल ऑफ द पोएम. अच्छा हाँ हमें पोएम के सब टाइटल बताने हैं. उसमें चार ऑप्शन थे चारों के सब टाइटल बता दें. द लीज गैदरर. लीज गैदरर का सब टाइटल है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस.
द प्रलोड, अभी ऊपर ही बताया था मैंने, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, रूथ इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, और डेफोडिल्स का सब टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. ओके नेक्स्ट, हु गेव द टर्म अफेक्टिव फैलेसी, ये टर्म किसने दिया है अफेक्टिव फैलेसी, डब्ल्यू के भीमसेठ ने और मॉनरे बियर्ड्सले ने, कब आया था ये 1946 में, मतलब ये जो टर्म दिया था 1946 में दिया था. इसका मतलब क्या होता है अफेक्टिव फैलेसी का, अफेक्टिव फैलेसी होता है कि इट्स एन एरर ऑफ जजिंग ए पोम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर. ऐसा होता है ना अफेक्टिव फैलेसी, जैसे हम किसी चीज़ को जज करते हैं तो फिर जब उसको जज करते हैं तो फिर हम उसको जज करने में गलती करने लगते हैं, जब हमारा उसका क्या पड़ जाता है हमारा, हम पर उसका इमोशनल इफेक्ट. जैसे लास्ट में मैकबेथ को मारा जा रहा था मतलब उसे, तो लेकिन हमारा क्या होता है एक मैकबेथ से एक इमोशनली अटैच्ड होता है, तो हम चाहते हैं लास्ट में कि मैकबेथ ना मरे, लेकिन चूंकि उसने किंग डंकन को मारा था तो जस्टिफाई तो यही हुआ कि मैकबेथ बाद में मर गया, लेकिन एक इमोशनल इफेक्ट की वजह से हम जज करने में एरर कर देते हैं, वही इफेक्टिव फैलेसी है. हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश ड्रामा, ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लिश ड्रामा में किसने यूज किया है, अर्ल ऑफ सरे. अच्छा अर्ल ऑफ सरे का नाम हेनरी हॉवर्ड भी है. अच्छा ब्लैंक वर्ड्स क्या है, ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम लाइन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक सेकेंड एंड बुक फोर ऑफ वर्जिल्स एनीड. ओके नेक्स्ट. अच्छा हाँ एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट, जो फर्स्ट टाइम पहली इंग्लिश ट्रेजेडी में ब्लैंक वर्ड्स यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, कौन सी में, गौरबटक में, कब आई थी, ऊपर हमने डिस्कस किया था इसको 1561 में, याद रखेंगे ना, गौरबटक में पहली बार ब्लैंक वर्ड्स को यूज किया था. ओके नेक्स्ट, गुड बोन्स हैव बोर्न बैड सन्स, हु सेज दिस फेमस लाइन, ये बात फेमस लाइन कौन बोलता है कि गुड बोन्स कि कभी कभी अच्छे महिलाओं से भी अच्छी औरतों से भी बुरे बेटों का जन्म हो जाता है, वो क्यों बोलती है बाद में मिरांडा. टेम्पेस्ट की है लाइन, ये तो आपको पता चली गया होगा, टेम्पेस्ट में क्या है मिरांडा जो मेन करेक्टर है वो एक्सप्रेस करती है सरप्राइज कि एक लवली वुमेन लाइक हर ग्रांड मदर, एक प्यारी वुमेन उसकी दादी माँ जैसी, कुड गिव बर्थ टू एन इविल मैन लाइक हर अंकल एंटोनियो, कि एक ग्रांड मदर जैसी इसकी इतनी प्यारी वुमेन जो है एक ऐसे इविल मैन, एक ऐसे बुराई से भरे व्यक्ति को जन्म दे सकती है जैसे कि उसका अंकल एंटोनियो. तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो गुड वुमेन होती है समटाइम्स गिव बर्थ टू बैड सन्स. ओके लेट्स कॉल इट ए डे. थैंक यू.